हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हबीब है। आज हम जानेंगे NVDA स्क्रीन रीडर में कीबोर्ड को कस्टमाइज कैसे किया जाता है। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा NVDA स्क्रीन रीडर की मदद से आप किसी भी कंप्यूटर कीबोर्ड को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और कीबोर्ड का लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं, रोज की तरह ही आज भी कुछ नया। इंसर्ट की और एन की को एट ए टाइम प्रेस कर लीजिए। उससे पहले आपका NVDA स्क्रीन रीडर ऑन रहना चाहिए। अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए। उसके बाद इंसर्ट की और एन की को एट ए टाइम प्रेस कर दीजिए। उसके बाद डाउन एरो प्रेस कर दीजिए। ऐसा प्रेस करने से प्रेफरेंसेस सब मेन्यू आपको मिल जाएगा। राइट एरो प्रेस कर दीजिए। जब तक आपको कीबोर्ड सेटिंग्स कहकर ऑप्शन नहीं मिलेगा तब तक आप डाउन एरो प्रेस कर दीजिए। सिंथेसाइजर S, वॉइस सेटिंग्स V, ब्रेल सेटिंग्स R, कीबोर्ड सेटिंग्स K। जब आपको कीबोर्ड सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा उस पर एंटर प्रेस कर दीजिए। कीबोर्ड सेटिंग, यहां से आप टैब की मदद लेके आप यहां से कर सकते हैं मूव कर्सर Combo Box Desktop Collapse Alt Plus K। यहाँ देखिए कीबोर्ड लेआउट कॉम्बो बॉक्स डेस्कटॉप है। मैं यहाँ से इसे लैपटॉप कर सकता हूँ। लैपटॉप, राइट एरो प्रेस कर देंगे तो लैपटॉप हो जाएगा। लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे तो डेस्कटॉप डेस्कटॉप हो जाएगा। Use Caps Lock as an NVDA modifier key checkbox not checked। NVDA modifier key के जैसा caps lock on को या caps lock की जो होती है उसको आप यूज कर सकते हैं। मैं caps lock on इसे इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग इसे कैप्स लॉक ऑन कहते हैं। इसका नाम कैप्स लॉक की है। Use numpad insert as an NVDA modifier key checkbox checked। By default numpad insert होता है जो जीरो बन जाता है numpad ऑन करने पर। ऑफ करने पर insert key बन जाता है। आप numpad की को यूज करते हैं, मैंने जैसे कि अब कहा insert की और n की को प्रेस कर दीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में modify की ऑन होके है, जैसे कि कैप्स लॉक ऑन की को आप सेलेक्ट कर लिए, आप जब इंसर्ट की नहीं प्रेस करना है होगा, आपको आपको एन की और कैप्स लॉक ऑन की को एट ए टाइम प्रेस करना पड़ेगा। Use extended insert as an NVDA modifier key checkbox checked। Extended insert की को भी आप NVDA modifier की के जैसा यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑन होके रहेगा, ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में। Characters checkbox checked Alt plus C। आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको सुनना नहीं है, यानी आपके कानों में आवाज़ नहीं आपको सुनना पसंद करेंगे आप। जैसे कि अब मैं ए प्रेस करूंगा तो ए NVDA कहेगा। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो ये अनचेक कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी चेक्ड है। Speak type words checkbox not checked Alt plus W। कई बार NVDA क्या होता है, टाइप करते हैं हम वो वर्ड्स स्पीक कर देता है। Speak type words checkbox not checked Alt plus W। अनचेक है। अगर आपको उस ऑप्शन से प्रॉब्लम हो रही है तो अनचेक कर दीजिए। कई लोग के कंप्यूटर में अपडेट जब इंस्टॉल होता है NVDA का, उस अपडेट में ये भी ऑन हो जाते हैं ऑप्शंस, कभी कुछ एरर के वजह से हो जाते हैं। Speech interrupt for typed characters checkbox checked। स्पीच इंटरप्ट होता है ये टाइप्ड कैरेक्टर्स के बीच में, जब आप टाइप करते हैं इंटरप्ट करता है NVDA स्क्रीन रीडर, चेकबॉक्स पर चेक है। स्पीच इंटरप्ट फॉर एंटर की चेकबॉक्स चेक्ड। एंटर की प्रेस करेंगे तो आप स्पीच जो बोल रहा था NVDA उसमें इंटरप्ट कर देगा। अलाउ स्किम रीडिंग इन से ऑल चेकबॉक्स नॉट चेक्ड Alt plus R। ये स्क्रीन ये क्या है, स्पीच अलाउ स्किम रीडिंग इन से ऑल चेकबॉक्स नॉट चेक्ड। स्किम रीडिंग का ऑप्शन है, यहां पर आप अलाउ कर सकते हैं। स्पीच अलाउ स्किम रीडिंग इन से ऑल चेकबॉक्स नॉट चेक्ड Alt plus R। ये चेक है, देखिए। बीप इफ टाइपिंग लोअर केस लेटर्स व्हेन कैप्स लॉक इज ऑन चेकबॉक्स चेक्ड। ये देखिए लोअर केस लेटर्स जो आप टाइप करते हैं तब बीप साउंड आप अपने कंप्यूटर से क्रिएट कर सकते हैं NVDA स्क्रीन रीडर की मदद से। कई लोग को कैप्स लॉक लेटर्स जो होते हैं वो बीप साउंड चाहिए होती है। Allows beep if typing lower case letters when caps lock is on checkbox checked। Speak command keys checkbox not checked Alt plus K। कमांड कीज कई बार NVDA बोलना पसंद करते हैं लोग, ये अनचेक है। अगर आप पसंद करते हैं तो चेकबॉक्स पर चेक कर दीजिए। Speak command keys checkbox not checked। Play sound for spelling errors while typing checkbox checked Alt plus S। ये देखिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वर्ड में टाइपिंग करते हैं, बहुत जल्दी से टाइपिंग करना पसंद करते हैं आप और अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखना चाहते हैं आप, तब आप रेड लाइन तो देख नहीं सकते होंगे NVDA स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं आप, तब आप NVDA स्क्रीन रीडर में ये ऑप्शन ऑन कर देंगे। जैसा ही आप
रॉन्ग स्पेलिंग्स टाइप करेंगे NVDA स्क्रीन रीडर वहां पर बीप साउंड दे देगा। Speak, play sound for spelling errors while typing. Checkbox checked. Alt plus S. ये चेक्ड है। Handle keys from other applications. Checkbox checked. Alt plus A. आप दूसरे एप्लीकेशन से भी कीज को हैंडल कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। Okay button. Okay पर प्रेस कर देंगे तो okay हो जाएगा। तो ये थे NVDA स्क्रीन रीडर के कीबोर्ड के सेटिंग्स। आप इस सेटिंग्स की मदद से अपने कीबोर्ड को और भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। होप करता हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस तरीके के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।